न्यूज़ सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीम, मैं हूँ आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं बॉलीवुड जगत की कुछ दिलचस्प बातें। अनुपमा फेम रूपाली गांगुली के बेटे ने छुए एकनाथ शिंदे के पैर। गणपति बाप्पा की पूजा के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के घर पर कई सारे टीवी और बॉलीवुड जगत के सितारे पहुंचे, जिनके वीडियोज और फोटो जमकर वायरल हो रहे। इसी बीच जो वीडियो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है वह है टीवी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली के बेटे का, जिसमें वह मुख्यमंत्री से प्यार से मिल रहे हैं। इस खास उत्सव में रूपाली गांगुली अपने बेटे के साथ पहुंची थी। जाहिर है कि वर्तमान समय में गणेश उत्सव का जश्न हर तरफ, इसको लेकर अभी भी चहल पहल देखने को मिल रही है। बीती रात महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे के गणेश पूजा की धूमधाम से पूजा रखी गई थी। इस पूजा में बॉलीवुड के कई सितारे मौजूद रहे। सोशल मीडिया पर इस पूजा के वीडियोज और फोटोज छाए हुए हैं। एकनाथ शिंदे के घर पहुंची रूपाली गांगुली। अनुपमा फेम टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस रूपाली गांगुली हमेशा ही अपनी अदा और स्टाइल से खबरों में बनी रहती है। फैंस उनकी जमकर तारीफ करते रहते। रूपाली के साथ साथ उनके बेटे के भी लोग तारीफ कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह है रूपाली गांगुली के बेटे के संस्कार। दरअसल रूपाली गांगुली CM एकनाथ शिंदे के घर गणपति पूजा के लिए अपने बेटे के साथ पहुंची, जहां पर CM ने गणेश जी की मूर्ति देखकर टीवी एक्ट्रेस का स्वागत किया। इस दौरान रूपाली का बेटा एकनाथ शिंदे से उनके पैर छूकर मिला, जिससे साफ पता चलता है कि एक्ट्रेस ने कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। राहुल वैद्य दिशा परमार की लाडली का घर में हुआ ग्रैंड वेलकम। सिंगर राहुल वैद्य और टीवी एक्टर दिशा परमार के घर हाल ही में किलकारी गूंजी। दोनों की जिंदगी के एक नन्ही परी आई है, जिसने उनकी लाइफ को कंप्लीट कर दिया है। रियलिटी शो फेम स्टार अपने जन्मदिन के दिन पत्नी और बेटी को घर लेकर पहुंचे। परिवार ने दोनों का बड़ी ही खुशी के साथ स्वागत किया। अब इसका वीडियो एक्टर ने शेयर किया है, जो खूब पसंद किया जा रहा है। दिशा की बेबी का ग्रैंड वेलकम। आरती कर घर वालों ने किया बच्ची का स्वागत। राहुल वैद्य ने बयां की खुशी। राहुल वैद्य की शेयर की गई वीडियो में देखा जा सकता है कि अस्पताल से घर लौटते ही परिवार ने बहू और पोती का जोरदार स्वागत किया। घर में आई लक्ष्मी से पिता राहुल वैद्य समेत हर कोई खुश नजर आया और दिशा लाडली का वेलकम के लिए पूरे घर को गुब्बारे से सजा गया। इस दौरान उनकी आरती भी की गई। हमारे जीवन का सबसे खास दिन राहुल, हाल ही में बने पिता राहुल ने कैप्शन में लिखा, 23 सितंबर 2023 हमारे जीवन का सबसे खास दिन होगा जब पत्नी और बच्ची घर आए, तो इससे बेहतर जन्मदिन की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। इस साल गणेश चतुर्थी पर हमारे घर लक्ष्मी जी आई है। दादा दादी और बुआ ने घर में आरती करके स्वागत किया। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। साथ ही हर कोई कपल को पेरेंट्स बनने की बधाई दे रहा है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पति अभिनव शुक्ला के साथ प्रेग्नेंट रूबीना दिलक ने गणपति बाप्पा को दी विदाई। टेलीविजन की फेमस अभिनेत्री रूबीना दिलक इन दिनों प्रेगनेंसी पीरियड्स को एंजॉय कर रही है। अभी हाल ही में रूबीना दिलक ने अपने घर में गणपति बाप्पा की पूजा अर्चना करके उन्हें बुलाया था। अब उन्होंने सोशल मीडिया पर गणपति बाप्पा की विदाई का एक प्यारा सा वीडियो शेयर किया, जिसमें रूबीना अपने पति अभिनव शुक्ला के साथ गणपति बाप्पा का विसर्जन करती नजर आ रही है। इसी के साथ उन्होंने गणपति बाप्पा से एक वादा भी मांगा है। रूबीना दालिक ने मांगा गणपति बाप्पा से वादा। टेलीविजन की फेमस अभिनेत्री रूबीना दालिक ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह सिंपल कुर्ता कैरी कर नजर आ रही है। इस वीडियो में रूबीना दालिक का बेबी बम साफ दिखाई दे रहा है। रूबीना दालिक ने इस वीडियो को शेयर करते हुए गणपति बाप्पा से वादा मांगा है कि वह अगले साल अपने बच्चों के साथ आपकी पूजा करे। इस वीडियो को देखकर फैंस भी रूबीना और अभिनव पर प्यार लुटाते नजर आ रहे हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज टी डाउनलोड करें। इंस्टाल ट्विटर हाइकू फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टी पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।